मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेंट्रल पोल में चावल नहीं खरीदने का लगाया आरोप। केंद्र पर हर योजना में अड़चन पैदा करने का आरोप। कांग्रेस के रामराज और भाजपा के राज में बताया अंतर। भाजपा के रामराज को बताया लोभ वाला रामराज। जांजगीर चांपा जिले में संत गुरु घासीदास बाबा जी के 264वें जयंती समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पामगढ़ के कुटरा बोर्ड पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, पीएचई मंत्री रुद्र गुरु, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदरदास, विधायक पामगढ़ इंदु बंजारे मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पामगढ़ पहुंचकर गुरु घासीदास बाबा के चित्र पर माल्यार्पण कर जैत खाम की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को खुशहाली के लिए कामना की। बाबा गुरु घासीदास ने मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया। बाबा ने सत्य अहिंसा की सीख दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, हमने 19 लाख किसान के 10,000 करोड़ के कर्ज माफ किया। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा, क्योंकि किसान खुश तो सब खुश। हमने 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन और इस साल 90 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान खरीदी का लक्ष्य है। हमने जो कहा वो किया। जब तक किसान संपन्न नहीं होगा, राज्य और देश तरक्की नहीं कर सकता। राजीव गांधी न्याय योजना में 10,000 करोड़ की राशि स्वीकृति की। केंद्र सरकार पर हर काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। धान खरीदी में बारदाना की समस्या को बताया। कहा, केंद्र में मांग के अनुरूप आवंटन नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार के FCI में चावल जमा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि धान खरीदी शुरू है। 60 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी करना है केंद्र को, जिसकी अनुमति नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हम सब उसमें भागीदार बन रहे हैं, ये हमारे लिए प्रसन्नता का है। एक बार केंद्र सरकार चावल खरीदने के लिए तैयार नहीं है, कैसे जुड़ेंगे? हमारी पूरी कोशिश है कि अभी तक के ऐसा नहीं हुआ था कि FCI चावल लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई। ये पहली बार हुआ है कि दिसंबर महीने में जा रहा है और भारत सरकार अभी तक के FCI भी चावल जमा करने की अनुमति नहीं दी है। मैं अभी 2 दिन पहले भी पीयूष गोयल जी से मैंने बात की थी, कल भी मैं उनसे बात करूंगा और प्रयास ये होगा कि FCI में हमारे छत्तीसगढ़ के जो चावल है उसे जमा करने की अनुमति मिले, ये हमारा प्रयास होगा। सर काफी साल से जमे अधिकारियों कोल माफिया का राज चल रहा है। ये रमन सिंह जी का बयान आया है अभी, छत्तीसगढ़ में कोल माफिया और खनिज विभाग का रमन सिंह जी क्या है कि वो 15 साल तक के समाचार के न्यू अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करें।